हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वाचिंग अक्षति काकर एग्जाम स्टडीज कर एंड इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफॉरेस्टेशन, इट्स कंसीक्वेंसेस, क्या क्या एफर्ट लेती है गवर्नमेंट और हम लोग कैसे ले सकते हैं, एक ग्रुप में कैसे ले सकते हैं और टू कंजर्व द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था अबाउट द नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बायोस्फीयर रिजर्व, वॉट आर द जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, पार्ट वन था जो इस टॉपिक का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से आप वो वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज, सेकेंड में प्रोजेक्ट टाइगर, थर्ड में रेड डाटा बुक, फोर्थ में माइग्रेशन, फिफ्थ में रिफॉरेस्टेशन। तो ये जो पांचों टॉपिक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रेड डाटा बुक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट टाइगर जितनी भी टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और नॉलेजेबल होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा कि आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को, पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अक्षय काकर एग्जाम स्टडीज करंट को तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी का फायदा होगा आपको, करंट अफेयर्स इस चैनल में मिलते रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट डिस्कशन होते हैं, इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देते ही रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर भी कीजिएगा। और सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज का। सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है, तो सबसे पहला है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज। So what are critically endangered species? So critically endangered species are species that are on the verge of extinction. मतलब बिल्कुल वो वर्ज पे एक्सटिंक्शन का, मतलब अब जस्ट उनका एक्सटिंक्शन होने ही वाला है, तो बहुत ही करीब है एक्सटिंक्शन के। तो वैसे स्पीसीज़ को हम लोग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में क्लासिफाई करते हैं। और इसका एग्जांपल आपके लिए हो जाएगा ब्लैक राइनो और क्रॉस रिवर गोरिल्ला। आप दोनों ही देख सकते हैं जानवरों की तस्वीर अपने स्क्रीन के ऊपर, ब्लैक राइनो और क्रॉस रिवर गोरिल्ला, ये दोनों ही क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की लिस्ट में आते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्लाइड किया है वो है इंडेंजर्ड एनिमल्स। व्हाट आर इंडेंजर्ड एनिमल्स? इंडेंजर्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हुज नंबर आर डिमिनिशिंग एंड माइट फेस एक्सटिंक्शन। तो वैसे एनिमल्स जिनका जो नंबर है वो धीरे धीरे घट रहा है और वो अब एक्सटिंक्शन फेस कर सकते हैं, ऐसा चांसेस है कि एक्सटिंक्शन फेस करे वो, तो वैसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं टाइगर, वैसे एनिमल्स को सॉरी हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। और इस लिस्ट में टाइगर और जायंट पांडा का भी नाम आता है। जायंट पांडा और टाइगर का नंबर धीरे धीरे घट रहा है और इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे घट रही है और ऐसा चांसेस है कि इनका ये एक्सटिंक्शन फेस करे, तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग इंडेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा कि टाइगर का जैसे पॉपुलेशन घट रहा था तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया, बाद में इसके ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अबाउट की प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कि एंडेमिक स्पीसीज। सो व्हाट आर एंडेमिक स्पीसीज? एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। तो वैसे एनिमल्स और स्पीसीज जो कि सिर्फ पार्टिकुलर एरिया में पाए जाए, मतलब और कहीं नहीं पूरे विश्व में, सिर्फ एक इलाका में, जैसे साल और वाइल्ड मैंगो का पेड़ वो सिर्फ पंचमारी में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है वर्ल्ड के और किसी भी कोने में, सिर्फ पंचमारी। तो वो क्या है, साल इज़ द एंडेमिक टू पंचमारी, मतलब सिर्फ वहीं का है वो एंडेमिक है और कहीं भी नहीं है वो। और उसका और एक एग्जांपल क्या आ जाएगा, बिजन और इंडियन जाइंट स्क्वायर। तो ये दोनों भी क्या है, सिर्फ एंडेमिक है पंचमारी में और आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा पंचमारी में। तो वैसे एनिमल्स को हम लोग एंडेमिक स्पीसीज और या एंडेमिक एनिमल्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट है वल्नरेबल स्पीसीज। सो व्हाट आर वल्नरेबल स्पीसीज? वल्नरेबल स्पीसीज आर स्पीसीज दैट आर नॉट इंडेंजर्ड एट प्रेजेंट बट माइट बिकम इंडेंजर्ड इन फ्यूचर। मतलब अभी वो इंडेंजर में नहीं है बट ऐसा चांसेस है कि वो आगे जाके फ्यूचर में इंडेंजर हो। तो वैसे एनिमल्स को हम लोग वल्नरेबल स्पीसीज में लिस्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मार्बल्ड कैट और बारहसिंगा। तो ये दोनों एनिमल्स अभी इंडेंजर नहीं है पर ऐसा चांसेस है ये फ्यूचर में एक्सटिंक्ट करें। सो अब प्रोजेक्ट टाइगर के ऊपर हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 1973 में और आई थिंक इस टाइम में इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर जिस टाइम ये लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। और इसका एम क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर विच हैज़ बिकम एन इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसा कि पहले ही स्लाइड में हम लोगों ने पता किया था कि टाइगर जो वो एक इंडेंजर्ड एनिमल्स है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है, तो इसी का पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए, इसे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का लिस्ट से हटाने के लिए, पॉपुलेशन इसका इंक्रीज करने के लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर बेसिकली लॉन्च किया गया था कि मेंटेन किया जाए एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन टाइगर के लिए। और जो पहला टाइगर रिजर्व था वो था सतपुरा टाइगर रिजर्व। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतपुरा टाइगर रिजर्व इज़ फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि 1973 में लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर और इसका मेन मोटिव क्या था, टू मेंटेन अ सस्टेनेबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। और ये सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रोजेक्ट टाइगर से आ सकते हैं। तो रेड डाटा बुक हम लोग देखते हैं। रेड डाटा बुक इज द सोर्स बुक व्हिच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स।
तो एक रेड डाटा बुक का भी आप पिक्चर देख ही सकते हैं कि रेड डाटा बुक एक ऐसा बुक है जिसमें जितने भी इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं सबका लिस्ट रहता है, पूरा रिकॉर्ड रहता है कि हाँ जैसे टाइगर हुआ, जाइंट पांडा हुआ, तो ये सब पूरा लिस्ट रहता है इसका रेड डाटा बुक में। द IUCN मेंटेन्स द बुक। और क्या एक और इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, जो ये बुक है इसे IUCN मेंटेन करता है, जो रेड डाटा बुक है इसे IUCN मेंटेन करता है। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन मेंटेन करता है IUCN, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। और उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो मेंटेन द रेड लिस्ट विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑन पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। जो भी स्पीसीज हैं उनका ये जो रेड डाटा बुक है, ये रेड लिस्ट भी इसके अंदर रहता है जिसमें रिकॉर्ड रहता है अबाउट द पॉपुलेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, मतलब टाइगर का पॉपुलेशन पॉपुलेशन कितना, जाइंट पांडा का, तो ये सब रहता है रेड डाटा के बुक के अंदर का रेड लिस्ट में। ओके, सो व्हाट इज माइग्रेशन नाउ। सो माइग्रेशन द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस और फॉर लेइंग एग्स। तो एक मास मूवमेंट रहता है बेसिकली वो बर्ड्स और एनिमल्स का एक पार्ट से लेकर दूसरी पार्ट तक वर्ल्ड का, ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस, मतलब क्लाइमेटिक चेंज के चलते, या ले करने के लिए एक को जो बर्ड एक साथ या एनिमल्स मास मूवमेंट करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो उसके अंदर माइग्रेशन होता है। सो अब रिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। रिफॉरेस्टेशन, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो सबसे पहले देखिए रीस्टॉकिंग क्या होता है कि जो आपने डिस्ट्रॉय किया पेड़, जो आपने काटा, जो पिछला लेसन में हमने पढ़ा था रिफॉरेस्टेशन, जो आपने पेड़ों को काटा उसके बाद वहाँ पे पेड़ लगाना, रीस्टॉक करना पेड़ों को वहाँ, तो ये हो गया रिफॉरेस्टेशन। बट ये तो एफॉरेस्टेशन भी हो सकता है, ये आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। बट ये एफॉरेस्टेशन कैसे होगा और ये रिफॉरेस्टेशन कैसे होगा, ये देखिए सेकेंड और थर्ड पॉइंट देखिए पता चल जाएगा। प्लांटेड ट्रीज शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज एज दैट ऑफ द डिस्ट्रॉयड ट्रीज और प्लांट एट लीस्ट एज मेनी ट्रीज एज डिस्ट्रॉयड। अब देखिए क्या पॉइंट आ रहा है, जब पहले आपने पेड़ों को काटा, ये सपोज ए फॉरेस्ट, जब यहाँ से आपने पेड़ों को काटा, ट्रीज को काटा अपने यहाँ से, तब क्या हुआ, आपने पेड़ों को पहले काट दिया, ठीक है, उसके बाद आप यहीं पे गए और आपने यहाँ पे ट्रीज़ को वापस से ग्रो किया, आपने ट्रीज़ को वापस से वहाँ पे लगाया। तो आप जब वहाँ पे ट्रीज़ को वापस से लगा रहे हैं तो ये रिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ, अभी ये एफॉरेस्टेशन हुआ। अगर आपने मैंगो ट्रीज़ को काटा था और आप यहाँ पे मैंगो ट्रीज़ लगा रहे हैं और आपने वहाँ छः मैंगो ट्रीज़ को काटा था और यहाँ आप 6 मैंगो ट्रीज़ लगा रहे हैं, सो दिस इज़ रिफॉरेस्टेशन। मतलब जो स्पीसीज़ था ट्रीज़ का आपने काटा था वही स्पीसीज़ को लगाया, जितना काटा था कम से कम उतना लगाया, तो ये रिफॉरेस्टेशन है। अगर आपने यहाँ मैंगो का पेड़ काटा था और यहाँ एप्पल का आपने लगाया, तो वो रिफॉरेस्टेशन नहीं, एफॉरेस्टेशन है। तो रिफॉरेस्टेशन में कुछ कुछ ये सब है कि रिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन में अंतर है। एफॉरेस्टेशन में आप जब भी कहीं प्लांट लगा रहे हैं वो एफॉरेस्टेशन है, बट रिफॉरेस्टेशन क्या है, जब आप उसी काइंड का प्लांट, वही स्पीसीज़ का प्लांट, उतने नंबर जितना आपने काटा था कम से कम, मतलब अगर आप 6 मैंगो ट्रीज़ काटा था आपने, आप 7 लगा दीजिएगा वो भी रिफॉरेस्टेशन होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली, लेकिन कम से कम आपको 6 लगाना है वो रिफॉरेस्टेशन होता है। तो अब रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अकर्स नेचुरली इफ डिस्ट्रॉयड एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो देखिए क्या हो गया, रिफॉरेस्टेशन ऑल्सो अकर्स नेचुरली, ये अपने आप भी कभी कभी हो जाता है रिफॉरेस्टेशन। आपको पता ही होगा कि अगर आप कोई खुला जगह को ऐसे छोड़ देता है तो आप खुद भी अपने आप कभी कभी पेड़ लग जाता है, तो अपने आप भी रिफॉरेस्टेशन होता है कभी कभी अगर हम उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दे तो। सो अब आपको क्या करना है, आपको करना है आगे वीडियोस का इंतज़ार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और आई थिंक पार्ट वन और पार्ट टू में लगा, आई थिंक आपका ये जो टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।